चलिए भी आगे देखो। अरे बात नहीं, देखो आगे, चलिए बात नहीं पीछे। एक टाइप छूट गया था कल, उसे करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे कोई समकोण त्रिभुज है, बात नहीं है। अब आगे देखो, चलो पीछे, अब बात नहीं। जैसे कोई एक समकोण त्रिभुज है और मैं ये कहूं कि एक समकोण त्रिभुज में बन सकने वाले बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये है सवाल। समझना ध्यान से। अब यानी कोई एक समकोण त्रिभुज है, छे, अब बात नहीं, तो इसमें एक बड़े से बड़ा वर्ग बनना है। एक कोई समकोण त्रिभुज है और इसमें एक बड़े से बड़ा वर्ग बनना है। वर्ग तो हम कहीं भी बना सकते हैं, इसमें हम यहां पे भी ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है कि नहीं, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए ऐसा वर्ग, पीछे पढ़ लोगे, हम ऐसा वर्ग चाहिए जिसकी, देखो यार नालायक इंसान हो, ठीक है, यानी जिसकी, या तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन हमें वो चाहिए जिसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा हो। ऐसा वर्ग चाहिए जिसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा हो। तो हम बनाएंगे, देखो यहां जैसे यहां पे बन गए, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, बात अब ठीक है कि नहीं। कुछ ऐसा बनेगा, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती, ऐसे कुछ बने, यानी एक ऐसा वर्ग जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा हो। ये बताया, वर्ग तो आप कहीं बना सकते, वर्ग तो तुमसे ऐसे भी बनवा सकता है, ऐसे कर, ठीक है, लेकिन हम वो बना रहे हैं जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा हो। समकोण त्रिभुज में समाहित वर्ग का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा हो, वो वर्ग बना। इसको तो फिलहाल वर्ग में बनाएंगे, पहले एक ऐसा जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा वो निकालना है। आपने कल इतना सीख चुके, जो ये वाली भुजा है ये ए मानते थे हम लोग कल, और ए वाली जो भुजा है वो बी मानते थे। 5 मिनट का टॉपिक है, फिर हम लोग नया त्रिभुज, ठीक है, और यहाँ पे ये सी है, गिरे कि नहीं गिरे, इस प्रकार है तीनों अलग अलग। अब मैं ये कहूं आपसे कि वर्ग की भुजा हम कुछ मान लेते हैं, तो वर्ग की भुजा हम मान लेते हैं कितनी, ए मान लेते हैं, क्या ए बी सी तो चलो माने हुए हैं, वर्ग की भुजा हम मान लेते हैं ए मान लेते हैं, ये कि नहीं सही है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इस हिसाब से ये चारों ही भुजाएं क्या होंगी, ए होंगी। समकोण त्रिभुज में समाहित बनने वाला सबसे बड़ा वर्ग ये है। ये तो आप मुझे ये बताइए, अगर हम थोड़ा सा और देखें तो यहां से लेकर यहां तक ए है, यहां से लेकर यहां तक ए है, तो इधर वाला और ये के, ये पता है कितना हो जाएगा, ए माइनस के हो जाएगा, सही है कि नहीं सही। और ऐसे ही ये यहां से लेकर यहां तक बी है और ये के है, तो ये जो ऊपर वाला हो जाएगा ये बी माइनस के हो जाएगा, सही है कि नहीं, बी माइनस के। अब ये इनमें ज्यादातर सब में एक ही कंसेप्ट लगता है कि छोटे छोटे टुकड़ों का मिलाकर बड़े वाले त्रिभुज के हम बराबर कर, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना कितने इसमें चीज बननी है। पहला बनना है ये समकोण त्रिभुज बनना है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना आता है 1/2 आधार ए माइनस के और इंटू ऊंचाई, यानी कितनी हो जाएगी के। आप आराम से समझना भैया, यानी 1/2 आधार इतना सा है इस त्रिभुज का, बोलो हाँ ये ना, कि इस त्रिभुज का आधार इतना सा ही तो है। अरे कौन से त्रिभुज की बात चल रही है, इस त्रिभुज की बात चल रही है, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो यही तो है, ए आधार इंटू ऊंचाई, सही है कि नहीं सही है, बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताइए छोटी सी बात। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पर वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल आप बड़े प्यार से जानते हैं क्या होता है, भुजा वर्ग, इतना तो बेसिक है सब जानते होंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा वर्ग होता है। अगर हम बात करें, अब ये वाली भी आकृति हमने देख ली, ये वाली भी, अब रह गई ये, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये भी तो एक समकोण त्रिभुज बनना है, तो 1/2 के आधार है और ये लंब है, तो के गुणा बी माइनस के। इन तीनों आकृतियों को मिला दे तो एक बड़ा वाला संभाव त्रिभुज बनेगा,
जिसका क्षेत्रफल एक बट्टे दो ए गुणा बी। तो ये कि नहीं सही? अगर हम ध्यान से देखें यहां पे तो इनका गुणा हो जाएगा, एक बट्टे दो कटेगा तो है नहीं क्योंकि यहां पे नहीं है। हालांकि हम अगर आप थोड़ा बहुत भी बुद्धि का सदुपयोग करें तो हम दो का गुणा ऊपर कर लें, दो का गुणा नीचे कर लें, तो दो कॉमन आ जाएगा सब में। एक या भिन्न का एलसीएम आप ये बात तो जानते ही हैं, तो दो से दो कॉमन लेके क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी इधर तीनों से दो दो कॉमन कॉमन लेके कटा है, नहीं कोई सोचे इधर तीन दो कट गए उधर एक ही दो कटा है, ये कैसे पॉसिबल है, कॉमन लेके। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए के भी कॉमन आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, लेकिन इधर के नहीं है तो कटेगी नहीं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अब हम गुणा करें तो आप मुझे ये बताइए ए के माइनस के स्क्वायर और प्लस के 2K² प्लस के और सॉरी पी के हो जाएगा और माइनस K² बराबर AB। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब आप मुझे ये बताइए एक के स्क्वायर और के स्क्वायर एक ही है, तो मिलके के स्क्वायर कितने बन गए, 2K² बन गए, तो इससे ये कट गया। अब हमारा ये बन गया, आप ध्यान से देखना यहाँ पे क्या बन गया हमारा, यहाँ पे ये बन गया जैसे कि मेरे भाई ए के प्लस बी के, तो के कॉमन ले लें तो ए प्लस बी और बराबर AB। सही है कि नहीं सही है? तो के बराबर जो निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा AB बट्टे ए प्लस बी। इसको आप ध्यान रखें, ठीक है कि नहीं ठीक है? समकोण त्रिभुज में समाहित होने वाले बड़े से बड़े वर्ग की भुजा पूछी है आपसे, तो ए बी इन दोनों भुजाओं का गुणनफल, और बट्टे में सी नहीं आएगा, ए प्लस बी आएगा। सी किस फॉर्मूले में आता है, जब डाले गए लंब की लंबाई निकालते हैं तब ए बी बट्टे सी होता है। सही है कि नहीं सही है? तो ये कंफ्यूज नहीं होना, ये चीजें ध्यान देने वाली हैं, तो आप इन पर ध्यान देंगे बिल्कुल सही तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी बात में किसी को दिक्कत हुई, बोलो जल्दी से, इतनी बात में किसी को दिक्कत हुई क्या? बिल्कुल नहीं हुई होगी। बढ़ जाएं आगे कि नहीं बढ़ जाएं, जल्दी भी है। रुकने का टाइम नहीं है, बढ़े आगे। मैं पहले एक मिनट चेक कर लूंगा आवाज आवाज सबसे, आवाज कम आ रही है, अब तो सही आ रही होगी। देखो आगे, हेलो, चलिए आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? मैं बढ़ता हूं आगे। चलिए, अब आपको मैंने एक सवाल और दिया था कल, जो चल रहा था समकोण त्रिभुज चल रहा था ना, मीन्स इक्विलेटरल राइट एंगल, सातवां था ये गया, सातवां सवाल ये कल छोड़ दिया था इसीलिए छोड़ दिया। अब सातवें सवाल की बात करें तो यहां पे ध्यान से देखना, आप क्या देखना ध्यान से, तो ध्यान से आपको ये देखना है सही है कि नहीं सही है। आप मुझे ये बताओ, इधर देखियो ध्यान से, तो ये क्या है, ये अर्धवृत्त है, ये चंदा मामा दिख रहा है, ये अर्धवृत्त है, ठीक है कि नहीं ठीक है? अब गाना नहीं चंदा मामा आ जा ऐसे कर। चलिए मेरे भाई, तो इधर यहां से लेकर यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये केंद्र मतलब वर्ग बनेगा, तो वही कंसेप्ट लगेगा। 25 तो सबसे बड़ी भुजा होती है, इसे तो आप भूल ही जाइए। बाकी दो भुजाओं का गुणनफल तो 15 × 20 और बट्टे उनका योगफल ए प्लस बी, तो 15 + 20 तो ऊपर हो जाएगा 300 और बट्टे 35, 5 से कट जाएगा 60 बार और बट्टे में आ जाएगा 7। सही है कि नहीं सही है? हाँ जी बोलो। ये चित्र थोड़ा सा वैसा बन गया है यहाँ पर, जबकि हकीकत में चित्र कुछ ऐसे बनेगा।
ऐसे कुछ बनेगा, कहने का मतलब यहाँ मिड पॉइंट पे ही जाएगा कि अर्धव्रत नहीं लग रहा ना, अर्धव्रत इतना और चाहिए बस, अर्धव्रत से ज्यादा हो गया है, ठीक है ना। इसलिए चलिए तो हम लोग नया त्रिभुज शुरू करते हैं आज। कौन सा? उसका निकाला नहीं तुमने? वहां बनेगा एक ट्रिपलेट बनेगा, 112, 113 और 15, 240 योगफल हो जाएगा। परिमाप, मैक्सिमम भी परिमाप तो पूछा था उस सवाल का, चलिए बाद में बता दूंगा उसको, देखो आगे। तो आप मुझे ये बताइए, अगला त्रिभुज है मेरे भाई पत्नी, स्केलेन ट्रायंगल, बात नहीं है। चलिए भैया, और इसे हिंदी में कहते हैं विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। सही है कि नहीं सही है? एक ऐसा त्रिभुज पत्नी इसकी सभी भुजाएं विषम हो, जैसे रावण, रावण की सभी भुजाएं बराबर थीं, तो वो समबाहु की कैटेगरी में आएगा, वो विषमबाहु की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। तो यानी विषमबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हों, जैसे मेरे भाई एक भुजा ई मान लो नाम दे दिया ए, और ई नाम दे दिया बी, और ये नाम दे दिया सी। इसके सामने की भुजा ए है, इसके सामने की भुजा बी है, और इसके सामने की भुजा सी है। अब ये विषमबाहु त्रिभुज है क्योंकि इसके सामने की सभी भुजाएं अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, कोई भी मैच नहीं कर रही, ठीक है कि नहीं ठीक है। यानी इसके सामने की भुजाएं सभी कैसी हैं? अलग अलग हैं, मैच मतलब बराबर नहीं है। अगर दो बराबर हो तो समद्विबाहु इसी में पढ़ेंगे अभी आगे आने पर, ठीक है। इसी में पढ़ेंगे, दो चार सवाल करेंगे इसमें, ये लंबी सीट है, इसमें 20 सवाल हैं कम से, यानी ये कम से कम 2 दिन चलेगा, आज और कल। तो इसमें आपको एरिया निकालने की जरूरत तो है ही नहीं, मैंने आपको पहले ही दिन जब शुरू किया था तो बताया था कि एरिया बराबर, इसमें कोई कोण वोण तो पता नहीं हमको, तो एरिया बराबर होता है एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसी से निकलता है, जब क्योंकि यहाँ पे हमें कोई कोण नहीं पता, अगर ये कोण पता चल जाए तो मैंने आपको बताया हुआ है, तो एरिया बराबर निकल के आ जाएगा 1/2। और जिन दो भुजाओं के बीच का कोण पता है वो दोनों भुजाएं एसी और साइन थीटा, सही है कि नहीं सही है? एसी और साइन थीटा। अब एस क्या है यहाँ पे? एस है अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी वाई टू। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? एस क्या है? अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, यानी परिमाप का आधा। और अगर हम इसमें बातें करें, ये तो छोटी छोटी बातें हुई जो बेसिक बातें तुमको आती हैं। अब इसमें हम बात करें आगे अंतःवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या के, तो मैं आपको अगले पेज पे समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। जैसे आज देखिए मैं तुम्हें नई चीज सिखाता हूं, बन गया तुरंत, कल शाम को मैंने पूरा ही कलर एक ये भी बन जाता है, पर ये परफेक्ट नहीं हो रहा, ये पूरा इकट्ठा ही है। चलिए कोई नहीं, अच्छा लगना चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए, जो अंदर ये देखो कितना अच्छा बना है, ठीक है। आप मुझे ये बताइए, ध्यान से देखना अब आगे, जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है वो अंदर वाली त्रिज्या होती है, बस बात नहीं। अब जैसे यहां पे जो यहां से यहां तक की दूरी है, जो यहां से
यहां तक की दूरी है उसे कहते हैं अंतः वृत्त की त्रिज्या। सही है कि नहीं सही? और जो ऊपर की है, वैसे यहां पर देखो क्या है कि दोनों एक जगह केंद्र स्थित नहीं होते, अंतः केंद्र और परकेंद्र एक जगह नहीं होते, ये संभाव त्रिभुज नहीं है, संभाव त्रिभुज में ऐसा होता है। ठीक है, तो हम यहां पर ये कह नहीं सकते। अच्छा तो संभाव ही तो है, चलो दूसरा बनाता हूं तब ज्यादा अच्छा। अच्छा चलिए कंफ्यूज कर देते हो, ठीक है देखना ध्यान से, आप मुझे हाथ से बनाना पड़ेगा। देखो जैसे मेरे भाई एक भुजा छोटी है, एक बड़ी है और तीसरी बीच की है। सही है, ये लग रहा है? चलिए थोड़ा बहुत लग रहा है। अब मुझे ये बताइए, ध्यान से देखना, ये भुजा मान लो सी ए दे दिया और ये बी दे दिया। वैसे कलाम मेरे बहुत ज्यादा नंबर है, ठीक है, ये ए और ये बी और ये सही है। अगर इसके अंदर भैया अंतः व्रत बनाना है तो अंतः व्रत बनेगा। मैं लोगों को बताता नहीं अपने बारे में ज्यादा, बहुत ज्यादा नंबर है मायने रखते हैं, बात तो राष्ट्रपति नहीं है। देखो आगे, तो ए हो गया मेरे भाई अंतः व्रत की त्रिज्या। सही है, अब आप मुझे ये बताइए अंतः व्रत की त्रिज्या, बात नहीं है। तो अंतः व्रत की जो इसकी त्रिज्या होती है छोटी, या पता है किसी को? डेल्टा अपॉन, बहुत बढ़िया, डेल्टा अपॉन एस। हाँ जी भैया, ये याद, मेंसुरेशन थोड़ा बहुत याद करना ही, 2D याद करनी पड़ती है, 3D में ज्यादा याद नहीं करना पड़ता, 3D इसी के ऊपर बनती है। तो डेल्टा यहां त्रिभुज का एरिया है और एस यहां पे सेमी पेरीमीटर है, जिसे हम अर्ध परिमाप के नाम से जानते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अर्ध परिमाप को ये जानना चाहिए आया कैसे, तो ये सेम इसका वही कंसेप्ट है जैसे यहां से तीन त्रिभुज बना दिए जाए, जो मैंने आपको कल भी सिखाया, परसों भी सिखाया कि एक त्रिभुज ये बनेगा, एक त्रिभुज ये बनेगा और एक त्रिभुज ये बनेगा, तीनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का योग होगा वो बड़े वाले के बराबर होगा। इसका होगा, देखो मैं अगर थोड़ा सा बताऊं, इसका हो जाएगा 1/2 ए गुणा आर, दूसरे का 1/2 बी गुणा आर, तीसरे का 1/2 सी गुणा आर। तो R और 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा A प्लस बी प्लस सी बट्टे दो, ये तो अर्ध परिमाप हो गया। ठीक है कि नहीं ठीक है? निकल आएगा, मतलब आप खुद निकालना, मैंने ऐसे बहुत करा दिए। अगर इसके परिवृत्त की त्रिज्या की बात करें तो परिवृत्त की त्रिज्या कैसे बनेगी? परिवृत्त की त्रिज्या ऐसे बनेगी, ध्यान से देखना, परिवृत्त की त्रिज्या ऐसे बनेगी, परिवृत्त इसके ऊपर बनेगा, बना के तुम छोड़े, बन गया कि नहीं? ठीक है देखो, नहीं अच्छा, मैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो यानी ये परिवृत्त की त्रिज्या कैसे बनेगी? जो इसका केंद्र होगा वो पता नहीं हमको यहां कहीं होगा, सही है कि नहीं सही है? वैसे थोड़ी सी फीलिंग समकोण वाली आ रही है, इसलिए कड़ के मध्य बिंदु की तरफ जा रहा, लेकिन ये होगा नहीं। ठीक है, तो इसकी जो परिवृत्त की त्रिज्या होगी वो ई होगी, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर बराबर जो होता है वो होता है, पता है किसी को? एबीसी बट्टे 4 डेल। एबीसी तीनों भुजाएं हैं, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है और ये मान लो सी है। तो एबीसी बट्टे 4 डेल्टा, डेल्टा आपको पता ही है एरिया होता है, डेल्टा आपको पता ही है क्या होता है? एरिया। आई बात समझ में कि नहीं आई? हाँ जी भैया बताते चलियो संग के संग, इसको लिखो तू हिंदी में पढ़े थे, इसको कहते हैं सर्कम रेडियस इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं परिवृत्त की त्रिज्या। अब खुश, ठीक है भैया? और पीछे वाले को हिंदी में कहते हैं अंतः वृत्त की त्रिज्या, और इन रेडियस इंग्लिश में अंतः वृत्त की त्रिज्या।
सही है, अंत है वृत्त की रेडियस, और इससे पीछे तो कुछ खास समझाया नहीं है, ये तो एरिया है, ये तुमको आता ही है। इस चलिए तो अब सवालों की स्टार्टिंग किया जाए। चलिए तो पहला सवाल देखेंगे जो बहुत ही शानदार और सरल सवाल है। चलिए पहला सवाल ये गया, उत्तम, और समझेंगे आगे तब समझ में आए, पहला ही सवाल अजीब आ गया। देखो आगे, चलिए अब मैंने आपको ये समझाया, जैसे अगर ये समबाहु त्रिभुज होता, ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज के अंदर तीन शीर्ष लंब होते हैं, शीर्ष लंब या ऊंचाई कहें, जैसे एक शीर्ष ये है ए, तो यहां से मैंने शीर्ष डाल दिया, अब जब यहां से शीर्ष डाला ए, सॉरी क्या है, अब तो क्या, ठीक है, तो पहला शीर्ष लंब ये हो गया, सही है, तो पहला शीर्ष लंब हमने मान लिया ये H1 है, समझना ध्यान से। दूसरा शीर्ष लंब हमने मान लिया यहां से ये ऐसे गया, और इसका नाम दे दिया हमने H2, और इसका जो नाम है वो है H1, और तीसरा शीर्ष लंब हमने मान लिया ये, ठीक है, ये H3 और ये H, तो ये तीनों शीर्ष लंब अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसमें तो बराबर होंगे, क्योंकि उसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं। शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहा जाता है, तीर से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब क्या कहा जाता है, शीर्ष लंब कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं एल्टीट्यूड। तो ये शीर्ष लंब सब पे अलग अलग होंगे, अगर ये भुजाएं अलग अलग हैं तो, अगर ये भुजाएं अलग अलग हैं तो, अगर ये भुजाएं बराबर हैं तो ये तीनों शीर्ष लंब बराबर हो जाएंगे, इसीलिए हमने समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब का कोई नाम तक नहीं सुना, क्योंकि वहां तीनों बराबर होते थे, यहां अलग अलग होंगे, फिर इनमें बड़ा छोटा कौन होगा, समस्या इस बात की है कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। तो आपको मैं बताऊं, देखो ध्यान से मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं, जैसे मान लो ये ऐसे बना दी, देखो जैसे भैया ये है, ये अलग अलग भुजाएं हैं, अलग अलग है, अब आपको मैं शीर्ष लंब कहूं तो सबसे बड़ा सबसे छोटा शीर्ष लंब कौन सा होगा, जो ए होगा, इसकी दूरी बहुत कम है, देखो 1.5 मार्कर भी नहीं हो रही, और इसकी दूरी 2 मार्कर, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 2.25 मार्कर, और इसकी दूरी इसकी लगभग 1.5 हो रही है, ठीक है कि नहीं ठीक है, आपको बिल्कुल महसूस हो रहा होगा कि हाँ ऐसा कुछ है, क्यों, तो ये सबसे बड़ी भुजा है, तो इस पे जो शीर्ष लंब था वो छोटा था, मतलब ये हुआ कि जो बड़ी भुजा पर डाला गया शीर्ष लंब होगा वो तो छोटा होगा, जो बड़ी भुजा पर शीर्ष लंब होगा वो छोटा होगा, छोटा शीर्ष लंब, शीर्षाभिलंब भी कहते हैं इसको, और छोटी भुजा पर इंग्लिश में एल्टीट्यूड, और छोटी भुजा पर जो शीर्ष लंब डाला जाएगा वो बड़ा शीर्ष लंब, सही है कि नहीं सही है, वो बड़ा शीर्ष लंब होगा। अब ध्यान से समझना, ये दोनों बातें आपको ध्यान रहनी चाहिए, बड़ी भुजा पर छोटा शीर्ष लंब होता है, छोटी भुजा पर बड़ा शीर्ष। अगर हम और आगे की बात करें तो और आगे की बात ऐसे है, जैसे मान लो उसने भुजाएं दे दी भैया, कि ये भुजाएं दे रखी हैं 2, 3, कौन सी बड़ी, और ये 4, सही है कि नहीं सही, यानी 2, 3 और यहां पे 4। अब मुझे ये बताइए मेरे भाई, 2, 3, 4 क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो आप मुझे ये बताओ, अरे हाँ है ना, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, मैंने पूछा सबसे छोटा शीर्ष लंब बताइए, यही तो होगा बड़ी भुजा पे। अब इस शीर्ष लंब को निकालने के दो तरीके हैं, इस शीर्ष लंब को निकालने के दो तरीके हैं, दो तरीके कैसे हैं, दो तरीके ऐसे हैं कि एक तरीका तो ये हो जाएगा कि देखो ध्यान से देखना, मैं दोनों तरीके समझा रहा हूं आपको, शीर्ष लंब की लंबाई पूछी है, बात नहीं पीछे, यानी शीर्ष लंब की लंबाई पूछी है आपसे,
आप मुझे ये बताइए, शीर्ष लंब की लंबाई पूछी है मेरे भाई, ध्यान से देखना आप आगे। तो ये जो शीर्ष लंब है ये हमको निकालना है। अगर ये पूरी भुजा चार है, अगर ये पूरी भुजा चार है और इसको हम एक्स मान ले, पिछला भी तो ऊपर से तो नहीं जाने लगा, बता दियो मैं, ठीक है? ये अगर एक्स मान ले, ठीक है कि नहीं ठीक है, तो इधर वाला कितना हो जाएगा, चार माइनस एक्स, सही है कि नहीं सही है? अब दोनों में जो कॉमन लंब है वो ये है, ये दोनों का कॉमन है। हम ये कह सकते हैं कि कर्ण के वर्ग में से जब आधार का वर्ग घटाते हैं तो लंब का वर्ग निकल के आता है, यानी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग। तो हम ये कह सकते हैं दो का वर्ग चार हुआ, चार में से एक्स का वर्ग घटा दो तो ये निकल के आ जाएगा अंडर रूट। ये लंब का वर्ग था ना, लंब निकालेंगे अंडर रूट आ जाएगा। और अगर इधर वाले से चलें तो तीन का वर्ग नौ हुआ, नौ में से चार माइनस एक्स का वर्ग घटा दीजिए, ये भी अंडर रूट। दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों में ये कॉमन है, एक ही तो है दोनों के लिए। यहां से हम एक्स का मान निकाल लेंगे सॉल्व करके, जब यहां से हम एक्स का मान निकाल लेंगे, मान लो एक्स बराबर कुछ भी आ गया निकल के, फिर हम ये भुजा पता है, ये भुजा पता है एक्स का मान, आराम से कर्ण के वर्ग में से ये इसका वर्ग घटा के ये निकाल सकते। एक तरीका तो ये है, इससे जा गंदा तरीका, ठीक है? क्यों गंदा तरीका है? क्योंकि ये पेपर के लिए टफ बहुत हो गया, तो आपको करना ऐसे नहीं है। तो मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है? इसको मैं मिटाता हूं, मैं आपको दूसरा तरीका समझाता हूं। दूसरा तरीका कैसे है उसे जानने के लिए आगे देखो आप। आप मुझे ये बताइए, इस त्रिभुज का एरिया निकालने के मैंने आपको दो तरीके बताए, दोनों से एरिया निकाल दो आंसर आ जाएगा। कैसे? इस त्रिभुज का एक तरीका तो बताया अभी अभी, एस माइनस ए, एस माइनस बी कहाँ गया, ए गया, और एस माइनस सी, ठीक है? तो इस त्रिभुज का एरिया क्या निकलेगा, देखो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अब बच्चे तो हो नहीं कि एस दो डंडे खींचो पहले ये, फिर तीन डंडे, फिर चार डंडे, आधा कर दो, कितने हो गए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, 4.5, आधा कटेगा ये वाला, ठीक है? ऐसे थोड़ी होगा। तो आप मुझे ये बताइए मेरे भाई, ध्यान से देखना आप आगे। तो कहने का मतलब 4.5 हुआ अर्ध परिमाण, लिख लेता हूं पहला सवाल है इस। तो एक फॉर्मूला होगा एस एस माइनस ए, 4.5 मत लिखो फंस जाओगे, पॉइंट का वर्गमूल नहीं आता ना तुमको, 9/2, 4.5 को 9/2 भी नाम से भी तो जानते हैं हम। तो 4.5 में से दो घटाओ, ढाई बचा, एस माइनस ए 5/2, एस माइनस बी 4.5 में से चार घटाओ आधा बचा, और एस माइनस सी 4.5 में से तीन घटाओ डेढ़ बचा, 3/2। एक और तरीका बताया इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, त्रिभुज वही है क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2, आधार कितनी है चार और ऊंचाई कितनी है, आधार इंटू ऊंचाई, सही है कि नहीं सही है, आधार इंटू ऊंचाई। अब मुझे ये बताइए मेरे भाई, ध्यान से देखना आप आगे। अब तो ये आसान हो गया, 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16, 16 का वर्गमूल 4, ऊपर वर्गमूल 9 का आएगा 3, बेचारा 15 अंदर ही रह गया, और 1/2 × 4 इंटू एच, जैसे अच्छा लगे काटने में, 2 दुनी 4 4 दुनी 8, 3/√15/8, यही आंसर, सही है कि नहीं सही? तो ये सही है, ये एक लाइन में आ गया कि नहीं आ गया? अब बढ़ते, हाँ पूछो, कुछ पूछना है किसी को, नहीं ना? चलिए तो पहला सवाल करेंगे अब, करिए भाई। पहले सवाल का आंसर बताइए क्या होगा, भाई रोज रोज की एंट्री, अभी मैं आऊंगा तब बताऊंगा उन्हें। मैं पढ़ा दूं इनको निकाल,
ऑफिस में कौन है, बुलाना किसी। ये देखो आ गया। तो आप मुझे ये बताइए, इस सवाल को देखते हैं, इसमें कुंडी नहीं है, लगा के देखो लग जाएगी। देखो आगे, चलिए। तो आप मुझे ये बताइए, इधर देखना ध्यान से, इधर देखना ध्यान, कौन सा पूछा है। अच्छा 72 दे ही रखा है, 72 मीटर की जो भुजा है उस पर डाले गए शीर्षलंब की लंबाई बतानी है। ए एक्स मान लो, चाहे एच मान लो तुम्हारी इच्छा, अन्य दो भुजाएं दे रखी हैं 30 और 78। अब ध्यान से देखना आप आगे, इसका अगर हम जोड़ तोड़ करें तो अर्ध परिमाप निकल के आएगा 70, 72 और 78 150, 150 और 30 180, 180 का आधा 90। तो अंडर रूट में 90 एस एस माइनस ए, 30 घटाओ 60, 90 में से 72 घटाओ 18 और 90 में से 78 घटाओ 12 और बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल सही है। अब आप मुझे ये बताइए मेरे भाई, इधर देखना ध्यान से, अगर मेरे भाई इसको मैं ऐसे लिख लूं तो 18 पंजे 90, क्योंकि 18 का पेयर बन जाएगा, और इसको लिख लूं मैं ए, कोई ये मत कहना कि हमें कैसे पता चलेगा, ये वर्गमूल है और वर्गमूल में मेरे भाई, और ये वर्गमूल है और वर्गमूल में ऐसा कुछ नहीं है, आपकी इच्छा है वर्गमूल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वर्गमूल आपको खुद आना चाहिए। ये इसके लिए एक और स्पेशल बैच ला रहे हैं बहुत जल्दी ऑनलाइन, वर्गमूल कैसे करें, ठीक है मेरे भाई। चलिए 11 रुपए में, चलिए आप देखो आ गया। आप मुझे ये बताइए, इधर देखना ध्यान से, 18 का वर्गमूल आ जाएगा भार, पांचवी भार आ जाएगा और 12वीं भार आ, और सब कुछ तो भार आ गया, 1/2 अच्छा 2 से तो कट जाएगा ना, 36 गुणा एच। आप मुझे ये बताइए, 18 दुनी 36 दुनी 12, 6 5 30, कौन सा आंसर सही है? सी ऑप्शन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतनी मेहनत से समझ, तब तुमने किराए पे पानी फेर। देखो आप मुझे ये बताइए, अर्ध परिमाप निकाल दिया तुमने, सभी भुजाओं का योग होगा 30 78 72 150 नहीं 180, 180 आधा 90, ठीक है, इसी को तो टाइपिंग मिस्टेक कहते हैं। क्लियर है? तो आपको ये बात समझ में आई, तो एस 90 आ गया, एस एस माइनस ए, 90 में से 30 गया 60, 90 में से 72 गया 18, 90 में से 78 गया 12। आर यू अंडरस्टैंड? बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यहां से आगे का प्रोसेस यू कैन सॉल्व इट, देन यू गेट आंसर। ठीक जाऊंगा एक दिन ऐसे ही। दूसरा सवाल करिए, दूसरा करिए फटाफट, कितना आ जाएगा? चलिए मैं ही करूं, ए बहुत बढ़िया। चलिए देखो आगे, ए आ गया सबका, देखते हैं यार। उसने ये कहा है ओ हेलो, आगे देखो, छोटे शीर्ष लंब की लंबाई
आप मुझे ये बताइए, जब छोटे शीश्लम की लंबाई है तो ये सबसे बड़ी भुजा पे होगा, सही है कि नहीं? सही है, सबसे बड़ी भुजा पे होगा। तो जब बड़ी भुजा पे होगा तो बड़ी भुजा कितनी है? 11। और ये बच गई ये 8 और ये 9, सही है कि नहीं? सही है। अगर हम में तनिक बुद्धि है तो आपको ये पता है उधर 1/2 11 इंटू एच होगा, 11 बट्टे में जाएगा, एक ही ऑप्शन में। तो बेवकूफों की संख्या ज्यादा होती है, प्राय सही आंसर 1-2 ही लोगों का। ठीक है, बाकी पूरा करना चाहो तो आप पूरा भी कर सकते हो। कैसे मेरे भाई? इधर देखना ध्यान से, अर्ध परिमा 11 और 8 19, 19 और 9 28, 28 का आधा कितना हो जाएगा? 14। तो यानी 14 और 14 में से 8 गया 6, 14 में से 11 गया 3 और 14 में से 9 गया 5। इसका वर्गमूल लेना ही मेन काम है बस। आप मुझे ये बताइए, 14 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 2 और इसको 3 गुणा 2, तो एक तो 6 ये बनना है, एक 6 ये बनना है, 6 ही बाहर आ रहा है, बाकी बेचारा सब अंदर ही रह गया 35। आज फायदा मिलना नहीं, 2 6 12 रूट 35/11, कटापिटी कुछ है नहीं। चलिए तीसरा सवाल तुम्हारी नजरों के सामने कुछ इस प्रकार है। वाओ, इस सवाल बताइए, इसको थोड़ी देर में करेंगे अभी, अरे कंसेप्चुअल है बेसिक। चौथा सवाल करिए, छाता वाला, 2020 के एक पेपर। अरे काउ को हो जैसे क्या मतलब? दो हजार बीस में आया था भैया, जितने ये पेपर का ही फोटो खिंचा हुआ है। इसी छाता दिख रहा है पीछे से, छाता बहुत अच्छी, ब्लैक छाता होता है, रेड कलर का छाता अच्छा लगता है। करो जल्दी से, हमने रंग भर दिया। अरे तुम ये टेढ़ी लाइन देख रहे हो, कर रहे हो? डंडी है छाती। हाँ जल्दी बताओ सब लोग, मजाक कर रहे हैं? तुम्हें नहीं दिख रहा क्या कर रहे हैं? छाता रंग रहे हैं, अच्छा तो लगे, अच्छा नहीं लग रहा था ना छाता। हो गया तुम्हारा आंसर, आया कि नहीं आया पहले बताओ बस, तो क्या घंटे रुक जाए अब ना रुके करा दें। चलिए भैया ये देखिए छाता, न्यू डिजाइन, न्यू स्टाइलिश 2021 का छाता। चलिए आगे देखिए, आप देखो आगे। वाह, अरे देखो बात नहीं है, आगे देखो, देख रहे हो कितना खूबसूरत बनाया है। जिन लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा उनकी आंखों में दोष है, उन्हें विटामिन ए की जरूरत है। देखो अब मुझे ये बताइए, इधर देखो आप, एक छाता दो विभिन्न रंगों के 10 त्रिभुजाकार कपड़ों के टुकड़ों से सिलकर बनाया, सही है कि नहीं? सही है। जो एक छाता, एक कोई छाता है
वो 10 कपड़े लिए गए लेकिन 2 कलर के लिए गए, सही है कि नहीं सही है? मान लो कुछ लाल लिए गए, कुछ नीले लिए गए, 2 कलर के से बनाया गया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और लेकिन कपड़े कितने लिए गए? 10। और प्रत्येक टुकड़े की जो माप है वो दे रखी है 20, 50 और 50, 20, 50 और 50, अरे सही है कि नहीं सही है? 20, 50 और 50। छाता बनाने के लिए प्रत्येक रंग के कितने कपड़े की आवश्यकता? पहले तो भैया एक का निकाल लो, तो भुजाएं आपको पता है, तो कप क्षेत्रफल चाहिए, भुजाएं दे रखी है 20, 50 और 50। आप मुझे बताइए एस क्या होगा, 100 और 20, 120, 60। तो एक कपड़े का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? तो एक एक कपड़े का आ जाएगा 60, 60 में से 20 गया 40, 60 में से 50 गया 10 और 60 में से 50 गया 10। ये 2400 होता है और ये 100 होता है। 24 का वर्गमूल तो हम जानते नहीं, लेकिन आप मुझे ये बताइए 6 चौके 24 होता है, तो 24 को हम देखो 6 का नहीं जानते, 4 का जानते हैं, कितना होता है 2, 4 0 1 2 3 4, वर्गमूल लेके 2 बाहर आ जाएंगे, 6 रह गया। अब आप मुझे ये बताइए, मेरे भाई रुक तो जाओ, उसने पूछा क्या, छाता बनाने के लिए प्रत्येक रंग के कितने कपड़े की आवश्यकता होगी? ये तो एक टुकड़े का आया ना, लेकिन एक रंग के जो टुकड़े चाहिए वो चाहिए 5, काहे, क्योंकि टोटल कितने कपड़े चाहिए 10, 10 कपड़े चाहिए जिसमें दो दो वैरायटी के, दो दो कलर के कपड़े, एक लाल रंग का एक मान लो हरे रंग का है, तो 5 लाल रंग के चाहिए 5 हरे रंग के। तो ये प्रत्येक टुकड़े का निकला, लेकिन उसने प्रत्येक टुकड़े का पूछा नहीं है, प्रत्येक रंग का पूछा है, और 2 रंग है, 10 मतलब 10 टुकड़े हैं, 2 रंग है, तो 5 5 हुए, तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर होगा 200√6, ये प्रत्येक टुकड़े का निकला है, प्रत्येक टुकड़े की तो ये भुजाएं हैं, तो 5 टुकड़े चाहिए, तो आंसर आ जाएगा 1000√6। आया समझ की नहीं? अरे 5 टुकड़े चाहिए, ये तो एक टुकड़े का था, टोटल 10 टुकड़े चाहिए हमको, टोटल पूछता तब हम कर रहे होते। अगला सवाल है मेरे भाई पांचवा, पांचवा सवाल आपके सामने कुछ ऐसे है, वाओ दिस इज खूबसूरत क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बताइए। समदिभाव शुरू हो गया, चिल्ला रहे थे, समदिभाव कोई नया थोड़ी है, एक आध लाइन शुरू होगी मैं यही बता दूंगा जो कंसेप्ट होगा, टेंशन नहीं लिया करो, इफ यू हैव टेंशन देन टेंशन डिस्ट्रॉय योर बॉडी, ये इंग्लिश लाइन थी पूरी टोटली। चलिए भी आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, इधर देखना, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, उत्तम, समकोण भी तो है, समदिभाव भी है और समकोण भी है, दुद्ध चीज है, तो आप मुझे ये बताइए समदिभाव भी है और समकोण भी है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली भुजा इसके बराबर है। अब कर्ण के बराबर तो हो नहीं सकती, वो तो फिर तो कर्ण कौन सा होगा, लड़ाई होगी दोनों में, तो अब मुझे बताइए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो परिमाप है, अगर सर हम ये मान लें कि ये भुजा ए है तो ए भी ए होगी, राइट यार, बिल्कुल, ये हालांकि तुम जानते हो ये दोनों कोण 45-45 के होंगे, लेकिन हमें जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें बता दिया ये 90 का। क्या तुम कर्ण का वर्ग, कर्ण नहीं निकाल सकते 2 भुजाओं से, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग 2a² वर्गमूल लेंगे, भुजा √2 आ जाएगा, जिनको नहीं समझ आया दोबारा देखो, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, तो 2a² बराबर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण चाहिए तो √2 दोनों साइड का वर्गमूल 2a। अब आप हमको एक बात बताओ छोटी सी, क्या कि इन तीनों भुजाओं का परिमाप दे रखा है,
परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग, तो कितना होगा, ए 2a हो जाएगा और प्लस ए रूड 2 और बराबर में दे रखा है परिमाप 4 प्लस 4 अंडर रूड 2। इतनी बात समझ में आई तुमको कि नहीं आई? अरे बोल तो कहे नो, 4 प्लस 4 अंडर रूड 2, एक मिनट ऐसे ही लिख लो, 4 अंडर रूड 2 प्लस 4। अब आप ध्यान से देखना आगे, तुलना मत कर दियो कि तुम तुलना कर दो कि एक ही वैल्यू 2 आ जाए 2a बराबर, फिर तो गलत हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कैसे करें, या तो एक ही वैल्यू रख के देख लो या फिर दोनों एक कॉमन लेके काटा पीटी कर लो। वैसे 2√2 दिख रहा होगा, जो दूरदृष्टि दोष वाले, मतलब क्या कहेंगे, दृष्टि दोष कहां से, जो दूरगामी दृष्टि है जिनकी, वो देख पा रहे होंगे सही है कि नहीं सही है, और नहीं देख पा रहे तो इसको चलिए देखने के लिए आगे बढ़े। ऐसे लिख सकता हूं, ए कॉमन ले लिया और यहां से मैंने क्या किया कि 2 अंडर रूट 2 कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा 2 दुनी 4 रूट 2 से रूट 2 कट गया, कितना बचेगा 2। अरे हाँ जी ना जी, कुछ तो बोलो, बोलती रहा करो, तब तो लगे मुझे समझ में आ रहा है, ऐसा लगता नहीं आ रहा, ऊपर से जाने लगा भाई, तुमसे विशेषज्ञ आ रहा है, बता दियो। इफ यू डोंट समझना देन यू प्रॉब्लम। अरे मैं इसको छोटा करने की सोच रहा था, हो नहीं रहा। अब आप मुझे ये बताइए, ध्यान से देखना, तो अब यहां 2 अंडर रूट 2 का भाग 4 में कितने बार जाएगा, बोलो कितने बार जाएगा, रूट 2 बार जाएगा, सही है कि नहीं सही है, रूट 2 बार जाएगा। जो लोग देना नहीं जानते मैं देना सिखाता हूं, 2√2 का भाग 4 पे देना है, रूट 2 का ऊपर नीचे गुणा, √2 2 दुनी 4, रूट 2 बार चला गया, है ना, बेसिक से ठीक है। अब तुमको ये पता चल रहा होगा कि इससे ये कट गया, इससे ये जब ये कट गया तो ए बराबर निकल के आ गया 2√। थर्ड पूछा है ए अंडर रूट 2 का मान, तो 2 अंडर रूट 2 इंटू रूट 2, इतना आंसर आ जाएगा। ऐसे था, बाकी इधर देखो, ये तो रहा गंदे बच्चों के लिए, अच्छे बच्चे इस सवाल को यहीं से खत्म कर सकते थे। कैसे खत्म कर सकते थे, आपको ये पता है कि जो ये ए रूट 2 है वही तो कर्ण है, इसकी वैल्यू कितनी है, ये तो मैंने तुम्हें निकलवा दिया है, मान लो कोई भी सवाल बन जाए कि ए का मान बताओ, इसलिए नहीं तो ये सवाल ये करने की जरूरत ही नहीं थी इस सवाल में, ठीक है कि नहीं ठीक है, बिल्कुल नहीं आया वो दोबारा पूछ सकते, ऐसे मत को, दिल किधर होता है, दिल पे बात जाती है सीधी। देखो छठवां बताना है तुम्हारा, देखो आप मुझे इधर होता है ना, इधर ही बहुत से लोगों का इधर भी तो होता है, देखो आगे, चलिए आगे देखो, बात नहीं, ओ हेलो, बस बस आगे देखो, भी बात नहीं है। तो मुझे ये बताओ, अगर ये भुजा ए मान लें समद्विबाहु भी है और समकोण भी है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं और समकोण है, तो कोण 90, लंब का वर्ग आधार का वर्ग बराबर कर्ण निकाल लिया, सब भुजाओं का योग बराबर ये दे रखा है परिमाण, तुलना कर दी यही कर्ण होता है 4 के बराबर। छठवां सवाल आपके सामने इस प्रकार, वाओ, क्षेत्रफल पूछा है, बात नहीं सवाल करो,
बात करने मत लग जाया करो, तुम एकदम टूट पड़ते हो। आया कुछ की नहीं आया। सही है, आगे देखिए। तो आप मुझे ये बताइए, इधर देखना ध्यान से, इसमें क्या चित्र फोटो वोटो बनाने की जरूरत तो है नहीं। आप मुझे ये बताइए, नौ, हाँ फालतू में खर्च करवाओ, 11। एस चाहिए अर्ध परिमाप, 10 हो जाएगा, अब 15 है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ, एरिया चाहिए, हेलो बात नहीं, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसको हम 5 3 15 लिख सकते हैं, और इसको 3 2 6 लिख सकते। अंधा आदमी बता सकता है कैसे आगे करके। देखो 4 का वर्गमूल 2, 3 3 बाहर आ गया, 5 5 बाहर आ गया, बेचारा रह गया कौन, ये 2, 5 3 15 2 9 30 अंडर रूट। तो ये तो सरल था, इसमें तो बस एरिया ही तो निकालना था, और तो कुछ था नहीं सवाल में, इससे जा घटिया सवाल। ठीक है, सातवां करेंगे आप, घटिया की इंग्लिश नहीं जानते, GHATIYA, घटिया। घटिया एक जगह है आगरा में, रिकॉर्डिंग चल रही है इसलिए नाम पूरा नहीं लूंगा। बताइए, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, यदि असमान भुजाओं की लंबाई 2 इकाई हो, तब बराबर भुजाओं की लंबाई याद करो, बहुत ही एंड ब्यूटीफुल को। चलिए भैया, और इधर देख लो, नहीं कर पाओगे, कंसेप्ट समझ लो। आप मुझे ये बताइए, जैसे ये कोई त्रिभुज है और ये एक समभाव त्रिभुज है जिसकी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, असमान भुजा की लंबाई कितनी है, 2, यानी ये वाली हमको दे रखी, असमान समान की चाहिए। अब मैं तुम्हें एक नई बात सिखाऊं, तो नई बात यह है मेरे भाई कि अगर मैं यहां से यहां पे लंब डालूं, अगर मैं यहां से यहां पे लंब डालूं, भैया ध्यान से देखना, अगर हम यहां से यहां पे लंब डालें, क्लियर है, अगर मैं यहां से यहां पे लंब डालूं, तो आप मुझे ये बताइए कि लंब इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। और ये स्पेशल कंडीशन है समद्विबाहु त्रिभुज की, समझना ध्यान से, जब ये दोनों भुजाएं बराबर हो तभी ऐसा होगा। अगर ये दोनों, ये भुजा और ये भुजा बराबर होती, जैसे ये समद्विबाहु त्रिभुज है और ये इसके बराबर है, तो फिर ये डबल होता, ठीक है कि नहीं ठीक है, तब फिर ये डबल होता, फिर ये डबल नहीं होता, ये गलत हो जाता, ध्यान रखना है इस चीज का। समद्विबाहु त्रिभुज में कब, जब ये जो खांचा बना रही है ये दोनों भुजाएं बराबर हो, तभी ये व्यवस्था बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो आप मुझे ये बताइए, इसका क्षेत्रफल तो हम निकाल सकते हैं, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और क्षेत्रफल दे रखा है 4, तो एच बराबर आ जाएगा कितना, 4। आप मुझे ये बताइए, जब h बराबर 4 आ गया, यानी ये 4 है और ये 4 है मेरे भाई, और आप बताइए ये पूरी 2 है, तो इतनी कितनी हो जाएगी, 1। 4 का वर्ग कितना होगा, 16, और 1 का वर्ग कितना होगा, 1, आंसर आ जाएगा अंडर रूट। हेलो, अच्छा चलिए आगे,
ये तुम विटामिन मुझसे ना पूछो। हैं सब याद है, अभी चल रहा है वीडियो इसलिए नहीं बताएंगे। देखो आगे आठवां देखो, हमको तो ट्रिक से याद है, ऐसे नहीं अंधाधुंध। अभी अच्छा नहीं लगेगा लोगों को थोड़ा। सब याद है, जब पूरी क्लास शांत होती है ना तब मैं बोलता हूं। एक दिन था, अभी परसों की बात है, तो सब लोग किसी को आंसर नहीं पता, केवल मुझे ही पता जो उसमें आते हैं, पता है ये बात। यहाँ तो इनसे परसों की बात है, बता देंगे फेंक के। वो सीनियर स्टूडेंट है कुछ। देखो आगे, बताइए ये अगला करिए फटाफट से। एक त्रिभुज पी क्यू आर में, समझना ध्यान से, पी क्यू बराबर पी आर और त्रिभुज का परिमाण 544 बराबर भुजाएं तीसरी असमान भुजा का 5/6 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं ही कराऊं। चलिए आगे देखो, आप मुझे ये बताइए, दोनों मान लो समान भुजाएं हैं, पी क्यू बराबर पी आर, सही है कि नहीं सही है? आप मुझे ये बताइए, पीछे बात रही, पी क्यू बराबर पी आर, सही है कि नहीं सही है? जब पी क्यू बराबर पी आर है मेरे भाई, ध्यान से देखना आगे। अब कहानी ये है, पी क्यू बराबर पी आर जो परिमाप है वो 544 है पेरीमीटर, सही है कि नहीं सही है? परिमाप है वो 544 है। यदि बराबर भुजाएं तीसरी असमान भुजा की 5/6 है, किनकी? असमान भुजाओं की। रेशियो तो आता ही होगा तुमको, तो असमान भुजा 6 हो जाएगी और समान भुजा कितनी हो जाएंगी? 5 हो जाएंगी। तो रेशियो का मेथड है, असमान भुजा की जिससे तुलना होती है ना, वो 6% में भी तो यही यूज होता है। तो 6 रेशियो है तो एक्स मान लो, तो ये 6x ये 5x ये दोनों बराबर है, तो ये भी कितनी हो जाएगी? 5x। समद्विबाहु त्रिभुज है पी क्यू बराबर पी आर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, परिमाप दे रखा है। आप मुझे ये बताइए परिमाप कितना होगा? 5 और 5 10 और 6 16x। 16x की वैल्यू 544, तो 16 3 48, 16 4 64 34, सही है कि नहीं सही है? अब आप मुझे ये बताइए इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो एरिया बराबर होता है आधार इंटू ऊंचाई। आधार है 6x, ऊंचाई चाहिए, तो हमने यहां से यहां पर लंब डाल दिया, तो ये दोनों बराबर बटेंगे, तो ये पूरा जब 6x है तो इधर का ये कितना हो जाएगा? 3x। कर्ण 5, आधार 3, 3 4 5 के ट्रिपलेट से ये कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। तो ये इसका एरिया होगा। x का मान हम निकाल चुके हैं, तो कहने का मतलब ये हुआ 2 3 6 3x, या हम ये कह सकते हैं 3 × 4 और × 34 का स्क्वायर, 34 × 30। ये पेपर में आया हुआ सवाल है, और शायद 2020 के ही पेपर का है, नहीं कोई सोचे इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं कैसे होगा। चलिए आगे देख, तुम्हारा चार तो सब कट रहे हैं, 3 से भी कट रहे हैं, ज्यादा कोई फायदा मिलना? चलिए, तो जब कोई फायदा नहीं मिलना है लौट आइए अपने गुणा भाग पे। तो 3 6 12 और 34 का वर्ग कितना होता है? 4 6 16, 4 3 12 2 24 और 1 25, 3 3 1156, 12 6 72, 12 5 60 और 7
67 12 एकन 12 और 6 18 872 पे तो मिल जाए, तीन अंकों पर जाके मिला, इकाई दहाई तो मैच कर, ठीक है। आगे से कोई तरीका भी तो नहीं। बढ़े आगे, ये कैलकुलेशन अच्छी है, सवाल कैलकुलेशन क्या 34 का वर्ग अच्छा है, नौमा मेरे वाओ। ये मिक्स है समद्विभाव और विषमभाव, हाँ जी कुछ आया आंसर, चलिए तो फिर आगे देख। आप मुझे ये बताइए किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर जो शीर्ष लंब है वो कितना है, ये 8 है और परिमाप दे रखा है 64, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ, बहुत ही खूब देखो आप। ये सवाल जल्दी करने का तरीका एक ही है कि आप यहां ट्रिपलेट सेट करें, अदरवाइज तो ये टपड़ेगा कि आप यहां पर ट्रिपलेट सेट करें और ट्रिपलेट ऐसी सेट करें कि जिससे परिमाप 64 हो जाए, तो ये कि नहीं बोलो हाँ। कोई अगर डिटेल से करना चाहे तो डिटेल से ये ऐसे होगा, अगर मैं इतनी भुजा x मान लूं तो ये पूरी भुजा 2x होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल सही है कि नहीं सही है। ये बाई मान लूं तो ए भी कितनी होगी, बाई। हमें एक इक्वेशन दे रखी है परिमाप, क्या 2y, बाई और y 2y प्लस 2x बराबर 64, तो हम यहां से निकाल सकते हैं x प्लस बाई बराबर 32। आप कहेंगे दूसरी इक्वेशन कहां है, दूसरी इक्वेशन ये है कि बाई का वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर दंभ का वर्ग, सही है, कर्ण का वर्ग बराबर 8 का वर्ग प्लस x का वर्ग, सही है कि नहीं सही है। तो यहां से निकलेगा बाई स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर, सही है कि नहीं सही है। अब ये दो इक्वेशन है तुम्हारे सामने जो आसान तो नहीं है सॉल्व कर, तो ऐसे तो आप करें ना, मैं आपसे यही कहूं, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा, मैं आपको बताऊं, इधर देखो चाहो करा दूं ऐसे, देखो अगर आप चाहते हैं करना तो ये ऐसे होगा कि यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, हाँ ये भी सही है। अगर इसका हम वर्गांतर खोल दें तो एक ब्रैकेट में माइनस और एक ब्रैकेट में प्लस बराबर 64। आप मुझे ये बताइए एक्स प्लस बाई की वैल्यू 32 है, 32 दूनी 64, ठीक है। तो हमने निकाल लिया बाई माइनस एक्स बराबर 2 और बाई प्लस एक्स बराबर हम पहले से पता है 32, दो इक्वेशन बन गई, एक्स से एक्स कट जाएगा 2y बराबर 34 तो बाई बराबर 17, एक्स बराबर भी निकाल सकते हैं अब तो हम, तो बाई की जगह 17 रखा जाए तो एक्स बराबर आ जाएगा 15। जब हमें सब कुछ पता ही है तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार कितना है 2x, 15 2 30, ऊंचाई हमें 8 दे रखी है, 15 8 120।
बढ़िया सवाल था। दूसरा तरीका है कि आप इसकी ट्रिपलेट सेट करें, ट्रिपलेट से जल्दी होगा। देखो आप मुझे, नहीं मेरी बात सुनो, ट्रिपलेट ऐसी ट्रिपलेट बताइए जिसमें 8 आता हो, तो आपको जो नॉर्मली याद है वो 8 15 17 ही है, तो इस हिसाब से ये 8 हो जाएगी, ये 15 हो जाएगी, ये 17 हो जाएगी। ठीक है, अगर योगफल 60 कितना 64 फिट बैठ जाए, सही है, 15 8 120 डायरेक्ट आंसर है। तो ट्रिपलेट सेट करके जल्दी होगा ये, नहीं तो ये टाइम लेगा। फिर पढ़ने आगे ट्रिपलेट 3 4 तो याद रखिए ही आप, 3 4 5 8 15 17 7 24 25 5 12 13, ये 3 4 तो रखनी पड़े। पढ़ जाए आगे, दसवां सवाल। दसवां सवाल कुछ इस प्रकार है, ये भी पूछा गया है सीधा सीधा, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, फॉर्मूला ही है ये फॉर्मूला है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। जिन्हें नहीं याद है वो निकाल भी सकते हैं, याद है बढ़िया बात है, ये पेपर के ही सवाल है सीधे सीधे। देखो मैं करा देता हूं, प्रत्येक समान भुजा की लंबाई कितनी है, ए, ए इसके बराबर है ना, और तीसरी भुजा की लंबाई बी है। आप मुझे ये बताइए क्या कह रहे हो भैया, कौन याद करेगा इतना बड़ा, लोगों को याद भी तो है, तुम ये टेंशन तुम नहीं करोगे, कोई और करेगा, कोई ना कोई तो करेगा। हाँ नौकरी तो हजारों में से दो चार की लगनी है बस। देखो तो आप मुझे ये बताइए, ये आधा आधा बढ़ जाएगा तो बी बाई, सही है, ये हम मान लेते हैं एच, या इसकी टेंशन छोड़ो, एस एस माइनस ए से भी निकल आएगा, पर उससे भी टाइम लगेगा। अगर देखो तो ए स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर बट्टे 4, एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे 4, हम लिख सकते हैं पूरे इसको माइनस बी स्क्वायर बट्टे 4, पूरे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसी में आ रहा है, आप तो खैर इसमें भी रहा है, और करना पड़ेगा। अब आप मुझे ये बताइए, 1/2 आधार बी, तो इन दोनों में आ रहा था, इसमें बी आ रहा है इसमें ए आ रहा है, इसलिए ये गलत हो, बाकी में तो आ ही नहीं रहा। पूरा देख लो, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये एच स्क्वायर की वैल्यू है, एच की वैल्यू के लिए अंडर रूट आ जाएगा, फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4 का वर्गमूल 2, 2 2 4 एक ही नहीं सही है, आधा समद्विबाहु ये आज हो गया, आधा ये कल हो पाएगा, 2 दिन का था इसमें 20 क्वेश्चन, क्या और किसी की कोई समस्या हो तो बताओ। एक आध की तो ये चलती रहेंगी ये समस्या, इनका पुराना नाता है। क्या तारीख है, 17 है, समस्या हो तो बताओ जल्दी। क्या चालू नहीं हुआ ऐप पर, चालू तो पैसा जमा करो तब चालू होगी।